प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हुआ मजदूर कल्याण रोजगार अभियान के तहत गांव में ही मिला लोगों को रोजगार। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की नौकरियां जब जा रही थी तब प्रवासी मजदूरों के लिए रोजी रोटी दिक्कत आ गई थी। तब सरकार की मजदूर कल्याण रोजगार योजना प्रवासियों के लिए जीविका का साधन बनी। इसी योजना को उन्नाव के विकास खंड हसनगंज की ग्राम पंचायत मुसेपुर में ग्राम प्रधान आशीष तिवारी ने 22 प्रवासी मजदूरों को बकरी व गाय भैंस बाड़ा बनवाकर गांव में ही रोजगार दिया है, जिससे प्रवासियों में खुशी का माहौल है। पहले इस गांव के 40 से 50 परिवार रोजी रोटी के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, लुधियाना सहित कई प्रदेशों में मजदूरी किया करते थे। अब कुछ परिवार ही हैं जो अन्य प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं। जिन मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिल गया है वो अब बाहर जाना भी नहीं चाहते, बल्कि गांव में इसी रोजगार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने की प्रेरणा भी उन्नाव के ही नारायणपुर ग्राम पंचायत में प्रवासियों द्वारा प्राथमिक विद्यालय में की गई रंगाई पुताई व पीओपी से ही मिली थी। उन्नाव से राजकुमार मिश्रा की रिपोर्ट, पाइमेटी न्यूज। जीवन लाल है, मैं प्रवासी हूँ, समझे लुधियाना वगैरह कमाने वाला हूँ। जब से ये योजना आ गई है प्रधान जी के द्वारा मालूम हुआ, जो है प्रधान जी ने हमारा सहयोग किया, सारा मटेरियल उन्होंने दिया और मैंने मेहनत अपना लेबर करके जो है लेबरों के साथ मिस्त्री के साथ में काम किया, जिससे मुझे इसका लाभ मिला और हमारा उद्योग आगे बढ़ गया। जो है लेबर मिस्त्री का पैसा हमारे प्रधान जी ने दिया, जो कि कोई आवश्यकता नहीं, जब हमारे 4-5 जानवर हैं तो उन्हीं की देख रेख में समय गुजरेगा, उसके माध्यम से हमारा जीविका चलेगी। जो मेरा नाम किशन लाल है, हम दिल्ली में काम करते थे पहले, तो वहाँ लॉकडाउन में मेरे लिए कोई रोजगार नहीं था, इसलिए गांव आए, प्रधान जी ने हमें ये कैटल सेट दिया और हमारे रोजगार दिया और हम यहाँ कमाने खाने लगे। बहुत अच्छा लगता सर, बहुत अच्छा लगता है, परिवार के साथ रह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। और बाहर नहीं जाना, बाहर जाने कोई वो नहीं जी सर। ये सर हमारा गांव एसी बाहुल है सर, ज़्यादातर लोग सब बाहर से रहते, गरीब व्यक्ति यहाँ सर, कोई दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़, हरिद्वार, सभी लोग सर बाहर से आए थे। जब से सर लॉकडाउन हुआ और सरकार माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन सर लगाया, उसी के तहत सर एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान चला सर, उसी के तहत बकरी बाड़ा कैटल सेट सभी सर प्रवासी लोगों को सर दिया गया। आज सर उन्हीं का बना है, जमीनी स्तर पर पूरा उनका कार्य पूरा हो चुका है, कोई सर गाय भैंस बकरी सभी लोग सर रह के अपने परिवार साथ, अब सर वो बाहर नहीं जाना चाहते, अपने परिवार साथ बहुत खुश हैं, कहते बाहर नहीं, यहाँ नरेगा में काम भी सरकार बराबर दे रही, नरेगा में सब प्रवासी लोग ज़्यादा से ज़्यादातर लोग सभी सर प्रवासी लोग नरेगा में काम भी करते हैं और समय से उनका भुगतान होता है, बड़े खुश हैं, अपने यही परिवार साथ जीवन यापन करना चाहते हैं।